मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं बड़ा वकील हायर कर सकूं लाखों करोड़ों रुपया देके। मनीष कश्यप के 4 बैंक अकाउंट को बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने फ्रीज कर दिया है। इसके साथ ही पटना नगर निगम के आयुक्त को निर्देश दिया गया कि ढूंढकर उसके सारे प्रचार होर्डिंग बोर्ड को तत्काल पटना शहर से हटा दिया जाए। तमिलनाडु प्रकरण में फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में डिजिटल पत्रकार मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कार्रवाई तेज करते हुए बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने उसके 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। अपने आप को गरीब बताने वाले मनीष कश्यप के 4 अलग अलग खातों में 42,11,000 रुपए जमा मिले। इसी के साथ मनीष पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वही पुलिस का कहना है कि टीमें जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। दूसरी तरफ पटना नगर निगम के आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि ढूंढकर उसके सारे प्रचार होर्डिंग बोर्ड को पटना से तत्काल हटा दिया जाए। बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने आरोपी मनीष कश्यप और युवराज सिंह राजपूत दोनों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जहां आर्थिक अपराध इकाई वारंट लेकर मनीष और युवराज को खोजनी शुरू कर दी है। यह टीम बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इससे पहले सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर गिरफ्तारी की झूठी तस्वीर अपलोड करने वाले युवक को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक कृष्णबड़हम थाना क्षेत्र के बड़का ढकाई से निवासी प्रशांत कुमार है, जो वर्तमान में पटना जिले के शास्त्री नगर क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले स्थित गणेश पथ में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस का कहना है कि उन्माद भड़काने की नियत से मनीष कश्यप की हथकड़ी पहने फोटो पोस्ट की। पुलिस का यह भी कहना है कि इसने लोगों को इकट्ठा करने का भी प्रयास किया था। आपको बताते चले, तमिलनाडु प्रकरण मामले में बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने अभी तक 3 प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। 3 आरोपियों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मनीष कश्यप और युवराज सिंह राजपूत की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। viewersnews.com ब्यूरो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।